नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो भाई, मेरा नाम है परखा बोका और आप देख रहे हो देश की सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। आज के थंबनेल में भाई आपने देख लिया है कि आपको होलसेल में दुगना प्रॉफिट कैसे मिलेगा। वैसे ज़्यादातर यूट्यूब में जो वीडियो में जो थंबनेल देखेंगी इनमें रिटेल का रेट ही लोग दिखाते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको होलसेल की बात कर रहा हूँ, रिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको प्रोडक्ट अपने यहाँ बनानी है, 700 रुपये में बन जाएगी। आप इनको 1400 में 1500 में मार्केट में व्यापारियों को बेचोगे, जो लोग माल बेचते हैं, और वो और प्रॉफिट करके मार्केट में सेल करेंगे। तो मतलब कि दुगना प्रॉफिट करने वाला एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट बिजनेस है। कई सारी ब्रांड इससे बनी है, इस बिजनेस से बनी है, जो कि 5 साल 6 साल पहले कुछ नहीं था इनके पास। बहुत ही छोटे से इन्होंने स्टार्ट किया था, कोई 8-10 लाख रुपये के आसपास या इससे भी कम पैसों से। आज भी आपको जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आपको स्टार्ट करना है, और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप इन बिजनेस को कैसे स्टार्ट करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इन बिजनेस की कोई प्रॉपर वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी सारे सर्च रिसर्च करने के बाद दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाई है। तो भाई वीडियो को पूरा देखोगे तो भाई को भी मज़ा आएगा और आपको भी वीडियो में अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी आपने देख ली और फिर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और फिर आप बिजनेस में प्रॉफिट न बन पाए और आपने लॉस किया। इस बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, क्या क्या आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, कितने ज़मीन की आपको आवश्यकता होगी, कौन सी मशीनरी आपको लेनी पड़ेगी, सारी जानकारी दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और एक बात यहाँ ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, मार्केट में जाकर पहले इनका रिसर्च करो, पहले इनका सर्च करो, पहले प्रोडक्ट के बारे में जानो, फिर बाद में बिजनेस को स्टार्ट करो। न जल्दबाजी करो, न देखा देखी करो। कई लोग क्या करते हैं कि पास वाले बगल वाले देख रहे हैं कि भी वो क्या कर रहे हैं, वो तो अगरबत्ती का बिजनेस कर रहे हैं, चलो अगरबत्ती का बिजनेस बहुत बढ़िया है, चलो मुझे भी अगरबत्ती का बिजनेस करना चाहिए। ऐसे धंधा नहीं होता है भाई। दोस्तों इनसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने भाई व्हाट्सअप में चैनल बनाई है, उसका नाम भी प्योर बिजनेस ही है। उस व्हाट्सअप चैनल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाना और चैनल को फॉलो भी कर लेना, ताकि हमारी जो भी कुछ नई अपडेट हैं, जो भी कुछ नई नई जानकारी हैं चैनल की, वो आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी। बाकी हमारे कुछ ग्रुप हैं जो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आपको कई सारे नए वीडियो के लिंक भी मिलेगी, होलसेलर की लिंक भी मिलेगी, और बाकी जो भी जानकारी होगी वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। आपने देखा होगा हर घर पर पानी के टैंक लगे होते हैं, प्लास्टिक के टैंक आपने देखे होंगे हर घर में, आपको देखने होंगे, मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, इस टाइप के टैंक आपने हर जगह देखे होंगे। मगर इस टैंक कैसे बनते हैं वो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, या अगर आपके दिमाग में ये कोई विचार आया होगा तो भी आपको लगता होगा ये तो बहुत बड़ा प्लांट है और बहुत बड़ी इसके लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके ये ड्रम जो है वो बनते हैं। इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, इतनी बड़ी वो फैक्ट्री नहीं है, या इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इतना बड़ा कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि भी मैं इसको कर ही ना पाऊँ, या मेरे से बाहर है, आपसे बाहर नहीं है। आप चाहो तो इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। वैसे इस बिजनेस को आप दो टाइप से कर सकते हो। देखिए पहली बात तो ये है कि आप चाहो तो इनका ट्रेडिंग भी कर सकते हो और आप चाहो तो इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मैं आज दोनों की आपसे बात करूंगा, जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। बहुत कम इन्वेस्टमेंट है तो आप ट्रेडिंग करो, और थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप लगाना चाहते हो तो आप मैन्युफैक्चर करो, मगर मैन्युफैक्चर करने से पहले आप ट्रेडिंग करो तो अच्छा रहेगा, तो ही आपको बिजनेस करने का मजा आएगा। देखिए ट्रेडिंग में आपको क्या करना है कि जो भी कोई बड़ी ब्रांड है, समझो अहमदाबाद में है या दिल्ली में है, बॉम्बे में है, या आपके आप जो भी शहर में हैं, आप जो भी स्टेट में हैं, हर स्टेट में एक बड़ी सिटी होती है, और वहाँ पर ऐसी आपको
पानी के टैंक बनाने वाली ब्रांड मिल जाएगी। इनके पास से आपको ये जो पानी के जो टांके हैं वो आपको खरीदने हैं, और आपको अपने यहाँ होलसेल में जो दुकानदार हैं, मतलब जो हार्डवेयर वगैरह का करता है, या लोहे की आइटम वगैरह रखता है, या प्लम्बर की आइटम जो लोग रखते हैं, वो लोग पानी के टैंक भी रखते हैं, आप इनको सप्लाई कर सकते हो और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा भाई जटिल है व्यापारियों के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि क्योंकि ये बड़े बड़े टैंक हैं, अब इसको लाने के लिए स्पेशल गाड़ी बुलवानी पड़ेगी और स्पेशल ट्रक से ही वो आएंगे, क्योंकि वो इधर उधर नहीं आएंगे, पूरी गाड़ी माल भर के लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इधर उधर लाओगे तो वो टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, और वो डर व्यापारियों को भी रहता है। तो आप क्या करते हो कि आप मान लो आप अपना कोई सिटी है, आपने कोई मैन्युफैक्चर कंपनी से कॉन्टेक्ट कर लिया कि देखिए भैया मैं 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर के टैंक जो है वो आपके पास से खरीदूंगा, और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये जो 10-15 सिटी हैं, छोटे छोटे जो सिटी हैं, मैं वहाँ पर आपके कंपनी के इस टैंक को बेचूंगा, तो आपको मेरे अतिरिक्त और किसी को माल नहीं देना है, मैं ही बेचूंगा। तो वो कंपनी मान जाएगी, किसी दूसरे को माल नहीं देगी, वो केवल आपको ही मिल देगी। आपको रेट वगैरह सब कुछ तय कर लेना है इनके पास से, और फिर आपको मार्केट में आना है, और यहाँ आकर आपको ऑर्डर लेना है व्यापारियों के पास जाकर, कि भी आपको इस टाइप के पानी के टैंक कितने चाहिए। मान लो कोई बोलेगा कि मेरे को 2 टैंक चाहिए, किसी को 3 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, तो उस हिसाब से जितने जितने व्यापारी हैं उन व्यापारियों के पास से आपको ऑर्डर लेने हैं। अब इसमें भी कई सारी क्वालिटी आती हैं, कई सारे इसके अंदर जो हैं वो लेयर्स बने आते हैं, 3 लेयर के आते हैं, 4 लेयर के आते हैं, 2 लेयर के आते हैं, सिंगल लेयर का भी आता है, तो वो थोड़ा आपको समझना है इनकी क्वालिटी वगैरह। फिर आप व्यापारी के पास से ऑर्डर लेना है, समझो पूरी गाड़ी का ऑर्डर आपने 2-3 सिटी में या 1 सिटी में ले लिया, अब आपको कंपनी में जाकर माल लेना है, इनको ट्रक में लोड करवाना है, और व्यापारी के हर व्यापारी के वहाँ जाकर आपको, मान लो किसी ने 2 मंगवाए तो आपको इनको 2 रख देने वहाँ पर, किसी ने समझो 4 मंगवाए तो आपको 4 वहाँ पर रख देने हैं। इससे क्या होगा कि ये जो टैंक हैं वो डैमेज नहीं होंगे। तो अगर इससे पास आप जाओ और इस टाइप से आप ऑर्डर लो तो 100% वो आपको ऑर्डर देंगे। अब देखिए घर बैठे बैठे भाई वीडियो देखते देखते कोई सीधा कमेंट ठोकने की जरूरत नहीं है कि कौन माल लेगा, कौन टैंक खरीदेगा, क्या इनकी मार्केट है, बहुत बड़ा काम है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जाओ, रिसर्च करो, सर्च करो, कुछ सर्च करना पड़ेगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। तो मार्केट में जाकर थोड़ा सर्च करो तो आपको पता चल ही जाएगा कि मार्केट में इनकी डिमांड कितनी है। वैसे इनकी डिमांड कहने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप अपने छत पर चले जाओगे तो अपने आसपास में जितने भी घर हैं हर घर में आपको टैंक देखने को मिल जाएगी। अब चाहे गांव हो या शहर हो, हर घर में 2-2, 3-3 टैंक होंगे। संडास बाथरूम होगा, इनके पर छोटा सा टैंक जगह पर अलग होता है, कई लोगों के अपना घर का बड़ा पूरा टैंक जो है वो अलग होता है, 2000 लीटर का होता है, कई पर 1000 लीटर का होता है। तो मतलब इनकी जरूरत है और डिमांड भी बहुत है। अब सब जो इन बिजनेस को अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? देखिए अगर आप इस बिजनेस को मैन्युफैक्चर से स्टार्ट करना चाहते हो ना तो भाई कर सकते हो, ये कोई इतना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप चाहो तो गवर्नमेंट की स्कीम का योजनाएं काफ़ी सारी चल रही हैं, आप इनका लाभ ले सकते हो। इस हिसाब से अपना पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हो और उनके थ्रू आप मशीनरी वगैरह मंगवा सकते हो और अपना मैन्युफैक्चर यूनिट स्टार्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चर करोगे तो क्या है भाई कि जैसी आपको क्वालिटी माल में देनी है, जैसी क्वालिटी आपको बनानी है, मार्केट में देनी है, उस टाइप की क्वालिटी आप बना सकते हो और अपना एक ब्रांड बना सकते हो। देखिए मैन्युफैक्चर में क्या करना है, पहले तो देखो आपके पास कम से कम 1000 चौरस फुट जगह होनी चाहिए, क्योंकि ये टैंक है तो इसको आप ऐसे कोई छोटा करके तो कहीं पर रख नहीं सकते, जैसा है साइज में वैसा ही आपको रखना पड़ेगा। तो एक बड़ी साइज का हाईवे के आसपास में कोई प्लॉट है, आप इनको भाड़े पर ले सकते हो, इन पर आपको अपना एक शेड बना देना है, और फिर बाद में भाई इनमें आपको कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें देखो अगर आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको फैक्ट्री का लाइसेंस चाहिए, आपको इनमें GST नंबर चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री लगा रहे हो छोटी मोटी तो इसमें GST नंबर आपको लेना ही लेना है। GST नंबर लेने में 1500-2000 का खर्च होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। आप चाहो तो इनको MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो मतलब कि छोटी यूनिट फैक्ट्री के लिए जो भी लाइसेंस वगैरह चाहिए, आप अपने आसपास में जो CA हैं, जो अकाउंट का काम करते हैं, आप इनसे मिल सकते हो और जो भी उस हिसाब से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है वो आप बनवा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस के लिए आपको कौन सी और कितनी मशीनरी चाहिए।
इसमें दोस्तों दो टाइप की मशीनरी आती हैं, ब्लो मॉडलिंग और रोटो मॉडलिंग। रोटो टाइप की जो मशीनरी है स्टार्टिंग में वो शायद मेरे हिसाब से आपको सस्ती पड़ेगी, तो रोटो टाइप की जो मशीनरी से आप स्टार्ट कर सकते हो। इनमें दो डाई भी के भी आते हैं, चार डाई के आते हैं, यानी कि चार ड्रम एक साथ बनेंगे, दो ड्रम एक साथ बनेंगे, इसमें और भी ज़्यादा ड्रम एक साथ बन सकते हैं, वैसी बड़ी बड़ी भी जो है वो इसमें मशीनरी आती है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में दो डाई से जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। वैसा छोटा मशीन आपको सस्ता है वो मार्केट में मिल जाएगा। अगर इंडिया मार्ट की कोई जेन्यून लिंक होगी भाई तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं होगी तो आप अपने हिसाब से इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हो और इनकी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है इनके इनसे पूछताछ कर सकते हो, और चाहो तो इनके पास से जो है वो मशीनरी मंगवा सकते हो। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। इसमें दोस्तों LDPE HDPE का जो है वो मटेरियल आता है। बड़ी ब्रांड भाई क्या करते हैं कि ये सारी जो इनके जो प्लास्टिक वगैरह हैं वो रिलायंस हैं, गेल हैं, ONGC हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड हैं इनके पास से वो लोग मंगवाते हैं। अपने यहाँ इनको पहले एक रस्सी रस्सी जैसा बनाते हैं, फिर इसके अंदर से इनके दाने बनवाते हैं, और फिर दाने बनाने के बाद जो है वो लोग पाउडर बनवाते हैं, और पाउडर बनाने के बाद ही वो ड्रम बनाने में यूज़ होता है, टैंक बनाने में। आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने छोटे से स्टार्ट किया है तो आपको ये ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा रेडीमेड पाउडर मार्केट से जो है वो मंगवा देना है। जो ब्रांड है, जो लोग ऑलरेडी पाउडर बनाती हैं, इनके पास से आपको सीधा पाउडर मिल जाएगा। आपको पाउडर ही मंगवाना है और ड्रम के अंदर जो है उनकी जो डाई है इसके अंदर आपको डालना है। इसके अंदर आप डालोगे और फिर इनको आप गोल गोल वो घुमाना है और इनको गर्म करना है, तो इसके जो पाउडर है वो चारों ओर जो है वो डाई के अंदर चिपक जाएगा और ये ड्रम का जो है वो स्वरूप ले लेगा। अब मान लो आपको दो लेयर बनानी है तो कुछ देर के बाद आपको उसको दूसरा कलर का पाउडर डालना है, फिर कुछ देर के बाद आपको तीसरे कलर का पाउडर डालना है। वैसे वैसे जितने पाउडर डालते जाओगे इतनी लेयर इनके ऊपर जो है वो बनती जाएगी। तो उस हिसाब से आपको बस इस टाइप का छोटा सा एक मशीन, जो कि आप डिस्प्ले में भी देख रहे हो, इस टाइप का छोटा सा मशीन लेकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। रॉ मटेरियल में आपको सीधे डायरेक्ट पाउडर मंगवाना है और अपना यहाँ ड्रम बनाने हैं और मार्केट में सेल करने हैं। कई सारी बड़ी बड़ी ब्रांड भी हैं, जब इन्होंने स्टार्ट किया था आज से 8 साल 10 साल पहले से, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल ऐसी छोटी सी डाई से दो ड्रम से स्टार्ट किया था। आज इनके पास 20-20, 25-25 डाइयाँ हैं, मगर वो समय जाने के बाद, क्योंकि इस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ये लगभग 2 गुना प्रॉफिट वाला होलसेल का बिजनेस है, तो इनमें कंपनी जो है वो जल्दी ग्रो कर जाती है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो कंपनी जल्दी ग्रो कर जाती है, तो ऐसा ये बिजनेस है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट की मैं फिर भी अगर बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप बनाना चाहते हो तो 10 लाख रुपये में आप इनको स्टार्ट कर सकते हो। 7-8 लाख रुपये की आपको इस टाइप की छोटी सी मशीनरी मिलेगी, बाकी थोड़ा शेड वगैरह आपको बनाना है और बाकी आपको रॉ मटेरियल लाना है, इसमें और कुछ भी आपको करना नहीं है। एक छोटा सा मशीन आपको लाना है जो कि आपके ब्रांड नेम को जो है वो प्रिंट कर देगा। अब देखो दोस्तों इसमें प्रॉफिट कैसे बनता है, मान लो 300 लीटर का एक ड्रम है। अब जो ड्रम है वो भाई मार्केट में लीटर के हिसाब से बिकते हैं, समझो 300 लीटर का ड्रम है तो इनका लीटर पर रेट है, के भी इनका लीटर का रेट है 6 रुपया, तो ड्रम का रेट हुआ 1800 रुपये। 7 रुपया रेट है तो ड्रम का रेट हुआ 2100 रुपये। अब मार्केट में आपने देखा होगा बिल्कुल एकदम लास्ट क्वालिटी का अगर ड्रम है, जो पानी का टैंक है, तो इनका भी रेट जो है वो आपको कम से कम 4 रुपये मिलेगा, यानी कि 1200 रुपये तो कम से कम रेट है एकदम लास्ट क्वालिटी का। अगर इनको बढ़िया क्वालिटी का लोगे तब तो भाई 300 लीटर की हम बात कर रहे हैं तो भी इनको 2000 रुपये हो गए, 1500 भी हो गए, 1800 भी हो गए। तो आप अपने यहाँ जो फैक्ट्री में यूनिट में जो बनाओगे वो लगभग वो आपको 2500 रुपये के आसपास रेट हो जाएगा, यानी कि लगभग 700-750 रुपये में आपको 300 लीटर का एक ड्रम रेडी हो जाएगा। अब इनको आप 5 रुपये के आसपास मार्केट में बेच सकते हो, 1500 में बेच सकते हो, ये इसमें आप 2-3 लेयर लगा सकते हो, इनकी बात है ये बिना लेयर वाला सिंगल लेयर जो होता है वो तो बहुत कम रेट में तैयार होता है, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर ये एक अच्छी क्वालिटी के ड्रम की हम बात कर रहे हैं, तो वो आप बनाकर सेल कर सकते हो व्यापारियों को, और इनमें अच्छा प्रॉफिट है दुगना वाला। तो जो कंपनी इस टाइप की मशीनरी सेल करती है उन्हीं के पास से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, किसी और को आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये बिजनेस आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।